राम राम। आप कलिहारी के औषधि प्रयोग के बारे में जानते होंगे और इसका खूब प्रयोग किया होगा और सुना होगा कि यह जहरीला होता है। आज मैं इसके जहरीले प्रभाव, इसकी मारक क्षमता और इसको इसके जहरीले प्रभाव को कैसे नष्ट किया जाता है वैज्ञानिक तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। कृपया करके यह वीडियो को पूरा देखिएगा। यह जंगलों में अधिकतर मिल जाता है, सभी जगह पर वन उपवन की तरह यह मोटी घास की तरह होती है और इसके पत्ते अदरक के समान रिद्धि वृद्धि के समान दिखाई देते हैं और सबसे आगे कोर मुड़ा हुआ होता है। झाड़ी नुमा हरापन लिए होते होता है। यह गर्मी में सूख जाता है लेकिन बरसात ऋतु में निकलता है। इसके फूल की पंखड़ी गुड़हल के फूल के जैसा दिखाई देता है और आयुर्वेद निघंटों के अनुसार इसकी गांठें भी होती है और इसकी औषधि प्रयोग कितनी मात्रा में करनी चाहिए। अनेक रोगों में इसका प्रयोग होता है। 125 से 250 मिलीग्राम की मात्रा में इसकी विषैली है और यह गर्भ को गिराने वाली है। इसका विधान आप लोगों को नहीं बताऊंगा और इसकी जो घातक की मात्रा है 1 से 3 ग्राम की मात्रा है और 4 से 12 घंटे में आदमी को इसके घातक लक्षण खतरनाक दिखाई देने लगता है। इसके विषैले प्रभाव शरीर में हो जाए तो कैसा पता चलता है? जी का मिचलाना, तेज उल्टी होना और पतला दस्त होना, शरीर में अकड़न ऐठन होना और शरीर में अधिक पसीना आना और ज़्यादा हो जाए तो इससे मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको उल्टी कराना चाहिए या स्टामक ट्यूब द्वारा इसका जहर को बाहर निकालना चाहिए और अधिक मात्रा में गौ माता का दूध और घी को पिलाने से कैसा भी इसका विष का जो प्रभाव होता है उसके प्रभाव को रोकने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है। और दही को कपड़े में बांध लीजिए, साफ कपड़े में, और उसका पानी को निचोड़ दीजिए एवं बिना पानी मिलाए उस दही में मिश्री को मिला करके खिलाने से इनका जो विषैला प्रभाव जो होता है उसमें लाभ होता है। और मट्ठा पिलाने से भी इसका विष के प्रभाव को नियंत्रण करता है और हृदय को जो बल देने के लिए उसमें खून सप्लाई करने के लिए स्ट्रिंगनिंग नामक जो इंजेक्शन आती है इसको डॉक्टर के माध्यम से लगाना चाहिए और जल्दी से जल्दी हो सके इसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, अन्यथा दस्त अधिक आने के कारण बेहोश होकर के रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो आप इस कलहरी का औषधि प्रयोग करने से पहले इसका जहरीला प्रभाव को भी जानिए। यह मैंने वैज्ञानिक तरीका बताया, ज़्यादा हो सके तो आप डॉक्टर के पास ले जा सकते हो। इसकी शोधन करने की विधि रस शास्त्रों में भी बताया गया है। इसके कंद को छोटे छोटे टुकड़े करके नमक और मट्ठा में मिला करके इसको 3-4 दिन तक रखने से उसकी शोधन होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन इसको 3-4 बार इसका शोधन करना चाहिए और यह कलियारी का औषधि प्रयोग करने से पहले किसी वैद्य की सलाह से इसका प्रयोग करिए। आप सभी को राम राम, हरिओम।